Very good morning, students. I am your teacher, and today I will teach you maths. And today I am going to teach you circle the bigger number. आज मैं आपको क्या सिखाऊंगी? Bigger number को circle करना. Bigger number क्या होता है? जब two numbers हैं, उनमें जो बड़ा number है, तो हम उसे बिगर कहते हैं. बिगर नंबर यानी बड़े नंबर को सर्कल करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. देखिए, ये हमारे टू नंबर्स 4 और 6. तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो टू नंबर्स हैं, इनमें से बिगर नंबर कौन सा है, यानी कि बड़ा नंबर. तो देखिए, 4 टॉफीज और 6 टॉफीज. तो सिर्फ 4 के बाद आता है 6. तो ये 6 नंबर क्या है? बड़ा है, यानी बिगर. तो हम 6 को सर्कल करेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं बच्चों, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 4 के बाद आता है, तो ये बिगर नंबर है. इसी तरह से देखिए, यहाँ पे 9 और 2, इन दोनों में कौन सा नंबर बिगर है, यानी बड़ा है. तो जब हम काउंटिंग पढ़ते हैं, तो 1, 2, 2 तो आ गया, 2 के बाद फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो ये तो बहुत बाद में 9 आता है 2 के. तो 9 क्या है? बिगर नंबर. यानी एक बच्चे को मान लीजिए हमने 2 टॉफी दी, और दूसरे बच्चे के पास 9 टॉफीज हैं, तो किसके पास ज़्यादा हैं? 9 टॉफी. तो ये नंबर बिगर है, तो हम इसे सर्कल कर देंगे इस तरह. अब देखिए नीचे, अब देखिए यहाँ पर कितनी टॉफीज हैं? 15. और यहाँ कितनी टॉफीज हैं? 17. तो 17 बच्चों 15 के बाद आता है या पहले आता है? जब हम काउंटिंग करते हैं, तो 15, 16, 17, तो ये इसके बाद आता है, यानी कि ये ज़्यादा है. तो ये ज़्यादा टॉफी हैं, तो 17 नंबर बिगर है. तो इसे हम सर्कल कर देंगे. इसी तरह से देखिए, ये है 23. मान लीजिए मैंने आपको 23 टॉफीज दे दी, और आपका जो छोटा ब्रदर है, उसको मैंने 29 टॉफीज दे दी. तो किसके पास ज़्यादा टॉफी हैं, जल्दी बताओ? आपके पास 23 हैं, तो 29, देखो 23 के बाद आता है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. इतनी सारी टॉफीज इसके पास एक्स्ट्रा हैं, यानी ज़्यादा हैं. तो 29 क्या है? ज़्यादा टॉफी है. तो ये नंबर इस नंबर से बिगर है, तो इसे हम सर्कल कर देंगे. ठीक है, अब देखिए, अब ये फिर से हमने, अब हम टॉफी नहीं देंगे, अब हम देंगे आइसक्रीम. गर्मियाँ पड़ रही हैं ना, तो आइसक्रीम खिलाएंगे हम आपको. ठीक है, देखो ये कितनी आइसक्रीम दे दी हमने आपको? 3. आपने 3 आइसक्रीम खाई. आपके ब्रदर ने 8 आइसक्रीम खाई. तो बच्चों किसने ज़्यादा आइसक्रीम खाई, 3 ने या 8 ने? 8, क्योंकि 8 3 के बाद आता है. आपने तो 3 आइसक्रीम खा ली, फिर इन्होंने खाई 4, 5, 6, 7, 8. तो इन्होंने इतनी सारी, बहुत सारी आइसक्रीम खा ली. तो 8 नंबर क्या हुआ? 3 से बिगर. तो ये इसको हम सर्कल कर देंगे. ओके, अब देखिए, ये है 12 और ये है 20. अब मान लीजिए आपको आपके फादर ने पैसे दिए हैं टॉफी खाने के लिए, आपको दे दिया उन्होंने 12 रुपीस. और जो आपका छोटा भाई है, वो छोटा है, इसलिए उसको
20 दे दिए, तो किसके पास रुपीस ज़्यादा हैं, 12 या 20? तो देखो 12 के बाद आता है 20, आपके पास 12 है, अब भाई को 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, इतने सारे रुपीस इसके पास एक्स्ट्रा आ गए। तो 20 रुपीस क्या होते हैं, 12 से ज़्यादा होते हैं, तो ये बिगर नंबर है। बड़ा है तो इसे हम सर्कल कर देंगे। अब आ जाइए, अब ये है 18 और ये 11। अब आपकी मम्मी ने आपको पैसे दिए, अब आपको मम्मी ने दे दिए 18 रुपीस, और छोटे भाई के लिए पैसे कम पड़ गए मम्मी के पास, उन्होंने मम्मी को 11 रुपीस दे दिए। तो बच्चों किसके पास पैसे ज़्यादा हैं, 18 या 11? तो 11 के बाद आता है बच्चों 18, है ना, ये 11 से कम है, तो 11 के बाद आता है 18, तो 18 नंबर क्या हो गया, बिगर नंबर। अब आपके पास ज़्यादा हो गए, ठीक है। आप देखिए ये नेक्स्ट टू नंबर्स हैं 26 और 19। तो बच्चों ये 19 हमारी 10 वाली लाइन है, जब 10 वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद 20 की लाइन शुरू होती है, तो जो 20 की लाइन है वो हमारा बिगर नंबर है, क्योंकि 20 के बाद ही तो आता है 26, तो ये नंबर हमारा बिगर नंबर है। इसी तरह से देखिए 37 एंड 30, तो 30 हमारा नीचे आता है सबसे लास्ट में, तो 30 के बाद 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 कितने बाद में आता है, बहुत बाद में आता है, तो ये नंबर क्या है, 30 से बिगर यानी बड़ा है, ये ज़्यादा है, तो 37 क्या हो गया, बिगर नंबर, तो इसे हम सर्कल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा 31 और ये क्या है 13, ये देखो 1 लिखा हुआ है तो ये 10 की लाइन हो गई, और ये 3 है ये 30 की लाइन हो गई, ये 31 है और ये 13 है, तो कौन सा ज़्यादा बच्चों, 30 की लाइन ज़्यादा होती है क्योंकि 10 के बाद 20 की लाइन फिर 30, तो 31 क्या है, बिगर, तो इन दोनों में 31 बिगर नंबर है, इसलिए हम इसे सर्कल कर देंगे। तो आज आपने क्या सीखा, सर्कल द बिगर नंबर, कि जो नंबर हमें दिए हुए हैं उन दोनों में जो नंबर बड़ा है उस नंबर को सर्कल करना है, ओके। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे बिगर नंबर को आइडेंटिफाई करने की, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।